स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गैजेट इंडिया में। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले रिव्यू रेड गियर कॉस्मो 7.1 का। और तकरीबन 3 महीने हो गए मेरे को इसको यूज़ करते करते। और आज की वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ। और मार्केट में सबसे अच्छा नाम यही है, अगर आप 2000 रुपीज़ के अंदर खरीदने जा रहे कोई भी हेडफोन, तो आज मैं इसके सारे प्रोज सारे कॉन्स बताऊँगा, किस लिए आप इसको परचेज कर सकते और किस लिए इसको अवॉइड कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके कॉन पॉइंट्स के साथ, क्योंकि सारे लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर प्रोडक्ट्स की कॉन पॉइंट्स की वजह से। तो हम लोग सबसे पहले ये सेगमेंट आगे रखते हैं आपके कंफर्ट को देखते हुए। और यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे जो कॉन दिखा मेरे को इसका, वो है इसकी बल्कीनेस। काफ़ी ज़्यादा बल्की है, थोड़ा नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा बल्की है। जब आप इसको पहनेंगे तो आपको तकरीबन 1 kg से 1.1 kg तक का वेट फील होगा सर के ऊपर। और आप इसको 1 घंटे से 2 घंटे तक ही पहन सकते, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं पहन सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम। और इसके जो ईयर कप्स है वो ब्रेथेबल भी नहीं है, और इसकी वजह से पसीना आ जाता है। और यहाँ पर ये हिस्सा पुश होता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर मार्क्स आने के भी चांसेस है बोल सकता हूँ मैं। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा वाइट है तो आपको शायद मार्क्स भी आ जाए यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट मेरे को जो इसका दिखा वो है इसके कलर्स कस्टमाइजेबल नहीं है, और इसके जो रैंडम कलर्स आते रहते वो उतने मेरे को अच्छे दिखे नहीं, लाइक पर्पल, स्काई ब्लू वगैरह, जो कि गेमिंग के वक्त अपने को डार्क और डिपिकिंग कलर्स जो देखने को मिलते हैं, लाइक रेड, डार्क ब्लू, ग्रीन, डार्क ग्रीन की बात करूँ मैं, वो कलर्स आपको देखने को नहीं मिलते यहाँ पे। बिल्कुल ही अलग सेट ऑफ कलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि कस्टमाइजेबल नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ 2000 के हेडफोन में कस्टमाइजेबल कलर नहीं आते, पर इसकी कंपनी सही से चूज़ नहीं करे कलर्स, मैं बोल सकता हूँ आराम से आपको यहाँ पे। और एज ऑफ डैट मैं बोल रहा हूँ आपको, ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, 1-2 घंटे की आप मूवी मुश्किल से देख सकते हैं, क्योंकि आप राइट साइड पर अगर आप टर्न करेंगे अपना हेड तो सारी हेडफोन का वेट ये तरफ आ जाएगा, और बैलेंस नहीं है बोल सकता हूँ मैं वेट का। और इसका जो हेड स्ट्रैप है यानी कि जो यहाँ पे बैंड आता वो भी इतना अच्छा नहीं है, और आप काफ़ी ज़्यादा इच करता है यहाँ पे जब आप इसको पहनेंगे। क्वालिटी इस ओके ओके बोल सकता हूँ मैं, और अगर आप इसको किसी को फेंक के मारेंगे तो वो इंसान को ज़रूर से दर्द दूंगा, इतना ज़्यादा बल्कि है ये। तो इतना ही था, और इसके जो वायर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं मैं बोलना चाहूँगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके साउंड वगैरह के बारे में, उसके कॉन्स के बारे में, जो कि है 7.1 सराउंड साउंड बोलते 2000 रुपीज़ के अंदर आ रहा। और ये हेडफोन काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसी वजह से, और मेरे को उतना ज़्यादा यूज़फुल दिखा नहीं 7.1 सराउंड साउंड, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस नहीं है उसके, और आप जो यूजुअल कंटेंट कंज्यूम करते वो इसके थ्रू नहीं आता। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो मेरी हिसाब से मेरे को अजीब दिखा 7.1 सराउंड साउंड, क्योंकि वही आवाज़ को वो चारों तरफ से आपको सुनाता, और उसकी वजह से आपके थोड़े बहुत पार्ट मिस हो जाते, लाइक आपका कान इस तरफ जा रहा ना साउंड, तो ये हिस्से का जो वर्ड्स है वो मिस हो जाते हैं, यानी कि ये हिस्से के जो डायलॉग्स है आपको वो मिस हो जाते हैं। और हाँ, इसमें एक थिएटर मोड वगैरह है, आपको एक सॉफ्टवेयर आ जाता है इसका, वो सॉफ्टवेयर मैं आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था कैसा डाउनलोड करना, आप अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट कर लो, आपको सब मालूम हो जाता है इसके बारे में। और वो मेरे को सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा दिखा, हैंडी है, आप उसके हिसाब से माइक वगैरह की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, कितना पिच होना वगैरह आपके हिसाब से कस्टमाइज़ बिल्कुल से कर सकते हैं हेडफोन को, वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अंडर 2000 रुपीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। और मैं बोलना चाहूँगा इसके जो म्यूज़िक के लिए, अगर आप इसको खरीद रहे लाइक आप म्यूज़िक करते यानी म्यूज़िक देखते, गाने वाने और मूवीज़ देखते, और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगा आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसकी जो लोज़ है वो बिल्कुल से घटिया बोल सकता हूँ मैं, लोज़ इसकी घटिया है। और मिड्स वगैरह उन्हें टेम्पो कर लेता, और ऊपर से जो हाइज़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एनहांस करके बताता है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बीट्स वगैरह है वो गाने के अंदर मिस हो जाते हैं, और जिससे मज़ा आता गाने का वो आपका जो ट्यून है वो मिस हो जाती मेरे हिसाब से। और एडिटिंग में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जब आप इसको हेडफोन पहन के एडिट करेंगे, और आप जब रॉ ऑडियो टीवी या आपके पीसी के स्पीकर से अगर आप सुनेंगे तो डिफरेंस आता है उसका। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े से कॉन पॉइंट्स थे इसके, और आपको परचेस करने से पहले इन लोगों को नोट करना ज़रूरी था। और अब जाएंगे हम लोग इसके प्रोज की तरफ जाके हम देखेंगे क्या क्या इसके प्रोज पॉइंट है, आप क्यों इसको परचेज कर सकते और क्या आप इसको अवॉइड करना चाह रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना मेरे को। और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है अभी भी कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए कमेंट करके पूछ लीजिए, और लाइक बटन ज़रूर से दबा देना अगर आपको कोई भी
इसका कौन सही दिखा, यानी कि इसका कोई कौन पॉइंट आपको सही दिखा, तो ज़रूर से लाइक कर देना वीडियो को। तो लेट्स गो टू द प्रोस सेगमेंट। अब आ जाते हैं इसके प्रोस की तरफ। उम्मीद है आप पूरा सेगमेंट देख लिए होंगे कॉन्स वाला, जिसकी वजह से आपको कॉन्स की नॉलेज हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रोस के बारे में। यकीन मानिए आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोस देखने को मिलते हैं, और कोई भी कंपनी आपको 2000 रुपीज़ के अंदर इस तरीके का हेडफोन प्रोवाइड नहीं करती ये फीचर्स के साथ। तो सब कुछ मैं आपको अब बताऊँगा। तो सबसे पहला इसका जो प्रो है वो है इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। वाह भाई, सबसे बेस्ट चीज़ है वो, क्योंकि ये गेमिंग हेडफोन है और उसकी तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसकी वजह से आपको जो गाने वगैरह सुनते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। पर गेमिंग में सबसे बेस्ट हेडफोन है, आँख बंद करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आप एक पबजी जैसी गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको फुटस्टेप्स वगैरह के लिए फ्रीक्वेंटली आपको रिस्पॉन्स करना रहता, और इसमें जो है आप आराम से फुटस्टेप्स सुन सकते हो और एनिमी को किल कर सकते। अभी तो पबजी वगैरह नहीं है, पर आप अगर पबजी मोबाइल की बात करो, मैं पबजी मोबाइल तो नहीं है, पबजी पीसी वगैरह खेल रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये, और मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे 2000 रुपीज़ के अंदर आपको 7.1 सराउंड साउंड देखने को नहीं मिलता। अगर आप गेमिंग के वक्त 7.1 सराउंड साउंड को यूज़ करेंगे, सबसे बेहतर चीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पे 7.1 सराउंड साउंड गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मैं कौन से वाले सेगमेंट में बोला, गाने वगैरह के लिए उतना यूज़ नहीं होता, पर गेमिंग में आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता वो, और ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी। मैं थोड़े टाइम इसके साथ 7.1 के साथ खेल के देखा गेम, और उसके बगैर भी खेल के देखा। 7.1 में आपको ज़्यादा बेस देखने को मिलता, जिसकी वजह से अगर राइट साइड में बॉम्ब फूट रहा था, ऐसा बेस राइट साइड से आता, जिसकी तरफ से आप समझेंगे बिल्कुल राइट साइड में आपके बॉम्ब फूटा रियल लाइफ में। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका बना देता है यहाँ पे। और देखने में सबसे अच्छी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि हेडफोन्स है और बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से आप समझो इन लोगों का जो लुक है वो चीप हेडफोन्स की तरह नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इज़ ग्रेट मेरे हिसाब से, प्लास्टिक वगैरह इज़ ऑल गुड। अब मैं आपको जैसे कि बताया ब्रेथेबल ईयर कप्स नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे आपका जो लुक हो जाता है गेमिंग के वक्त काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी एक्सपेंसिव से हेडफोन्स दिखते हैं, और क्यों ना दिखें, क्योंकि ये थे 3500 से 4000 रुपीज़ की रेंज के जब ये लॉन्च हुए थे, पर अब आपको ये देखने को मिल जाते हैं अराउंड 1800 से 2000 रुपीज़। इट इज़ गुड, पर कलर्स वगैरह मैं अगेन बोलूँगा कस्टमाइजेबल रहते हैं तो और बेहतर रहता था। और यहाँ पे मेरे को लाइट्स वगैरह के साथ थोड़े से इशू थे, जैसे कि कलर्स वगैरह इस तरीके के है, पर इट्स गुड। माइक की क्वालिटी के ऊपर अगर हम आ जाएंगे, माइक काफ़ी अच्छा माइक है, नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छी है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, आपके पास बजट नहीं है, सिर्फ आप हेडफोन लेना चाहते तो आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका माइक काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता, और मैं इसे एक दो बार यूज़ करके भी देखा। वीडियो यूजली जैसा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वेबकैम वगैरह तो नहीं था, पर वॉइस ओवर वाले वीडियोस ट्राई करा, काफ़ी अच्छे दिखे मेरे को वहाँ पे जो रिजल्ट्स है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक थम्स अप दूंगा अगर आप इसके लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करना चाह रहे, और लाइव स्ट्रीम वगैरह ऑन कैमरा काफ़ी अच्छे बड़े से हेडफोन सीखते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रीम में आपका जो इम्पैक्ट है व्यूअर्स के साथ काफ़ी अच्छा बैठेगा। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो चीप नहीं लगेंगे, काफ़ी अच्छे लगेंगे मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, इसकी जो हाइज है, जिसकी वजह से पार्टी सॉन्ग्स वगैरह आप काफ़ी अच्छी तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन स्लो सॉन्ग्स वगैरह में ये थोड़ा सा मिस करता था, क्योंकि लोज वगैरह मिस करता, और यहाँ पे बेस उतना नहीं है। पर अगर आप पार्टी सॉन्ग सुनेंगे तो आपको मज़ा बहुत आऊँगा, बोलूँगा मज़ा बहुत आएगा, मैं भी सुना काफ़ी सारे। तो इतने सारे इसके जो प्रोस है मेरे को दिखे हैं यहाँ पे 3 महीने से यूज़ करते हुए, और इसकी जो वायर है भाई इतनी ज़्यादा रफ एंड टफ है, अगर आप इस तरीके से खींचेंगे कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। और इसके ऊपर से ट्रक भी चलेगी तो इसके वायर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पहली बात ये ब्रेडेड है, उसके ऊपर से इसके ऊपर रबर की कोटिंग है जो कि इसको और ज़्यादा ड्यूरेबल बना देती, तो इसकी वजह से अगर आप ड्यूरेबल हेडफोन्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो ये बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है मेरी तरफ से, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे। और इसकी वायर की लेंथ भी अराउंड 1.25 मीटर्स है, तो आपको अच्छी खासी लेंथ मिल जाती। और बेस्ट चीज़ दिखी मेरे को, और इसका जो USB है वो गोल्ड प्लेटेड है, उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप इसके अनबॉक्सिंग देखना चाहें तो रिव्यू तो ये है, अनबॉक्सिंग और जब का जब जो फर्स्ट लुक है वगैरह देखना चाह रहे हैं अगर आप, तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, आप जा सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे। तो इतना ही था ये वीडियो में आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से हमारे चैनल का इंडिया को
सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन आते हैं न्यू वीडियोज़ के। अब तो हमारे चैनल पर व्लॉग्स भी आ रहे हैं हैदराबाद के, तो प्लीज़ ज़रूर से इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस व्लॉग्स वीडियोज़ देख लेना। और अगर ये पॉइंट्स आपको रिलेटेबल दिखे, अगर आपके पास है या रिलायबल दिखे, अगर आप खरीदने से पहले आपको काम आए ये पॉइंट्स, तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हेडफोन से कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और इतना ही था वीडियो में, टिल देन न्यू वीडियो कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।